आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराने जा रही हूँ जिन्होंने प्रेम और शांति को अपनी पेंटिंग्स में बखूबी दर्शाया है। महाराष्ट्र की वर्ली लोक कला को जयदेव के गीत गोविंद के जरिए अपने कैनवास पे बखूबी उतारा है। तो आइए मिलते हैं उनसे हमारे यूनिक सेगमेंट विशेष में। दोस्तों, आज विशेष में मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी चित्रकार से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने महाराष्ट्र की वर्ली लोक कला को जयदेव के गीत गोविंदम के थ्रू बखूबी कैनवास पर उतारा है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी चित्रकारी के बारे में। आपका स्वागत है बबीता जी हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे आपकी कला यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा, कब शुरू हुई और किस तरह की रही अभी तक की आपकी यात्रा चित्रकारी की? मेरी यात्रा बचपन से ही थी और 1990 में मैंने मीराबाई पॉलिटेक्निक से कमर्शियल का डिप्लोमा पास किया और तकरीबन 94 तक मैंने पेंटिंग किया। फिर दोबारा ब्रेक कर दिया क्योंकि शादी हो गई। तो 2006 में जब मेरे को ऑफिस वालों ने पटना में भेजा गया है पेंटिंग कंपटीशन के लिए, उसमें जब सेकंड प्राइस मैं लेके आई तकरीबन 100 के ऊपर के आखिरी के आर्टिस्टों के सामने, तो उसके बाद दोबारा फिर मैंने ये काम शुरू किया जी। आपका लोक कलाओं की तरफ काफी रुझान है, तो क्या कारण है कि आप लोक कलाओं की तरफ आप ज्यादा रुझान दर्शाती हैं अपना? मेरे को पता नहीं कि बचपन से एक बहुत शौक था कि एक लोक कला की चित्रकार बनूं। तो धीरे धीरे जब बड़ी हुई और महाराष्ट्र का लोक कला जो वर्ली चित्रकला है वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो 2007 में त्रिवेणी में दिल्ली में एक आर्ट गैलरी है त्रिवेणी के नाम से, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में एक ऐड लगा हुआ था कि आप वर्ली चित्रकला सीखिए, 15 दिन का कोर्स है। तो मैंने इमीडिएटली अपना फीस भरा और ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेके वो कला मैंने वहाँ सीखी। किस तरह की है वर्ली कला, इसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या खास उस कला में होता है? अच्छा, वर्ली कला जो है ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना पुराना है, क्योंकि जिस तरह से रॉक पेंटिंग है उसी तरह से वर्ली भी बहुत पुराना कला है, कहना बहुत मुश्किल है कितना पुराना है। तो इसको हम लोग गेरू मिट्टी की लेप लगा के उसके ऊपर चावल को पीस के उसके जो लई बनता है उस लई में थोड़ा गोंद मिक्स करके तिल्ली से उसकी चित्रकारी की जाती थी। और वर्ली में जो है उन लोगों का जब धान कटता था उस टाइम पे वो लोग अपने घरों के दीवारों में करते हैं, उसके अलावा कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें करते हैं और ख़ास करके शादी के वक्त करते हैं। शादी के वक्त एक चौकर बनाया जाता है घर के दीवार पर जिसमें आधे में एक देवता को बैठाया जाता है और आधे में जानवर रखा जाता है जो कि गाय बकरी बतख मुर्गी जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम कहते हैं उन सबका वो चित्रकारी करते हैं। दूल्हा दुल्हन जब घर आते हैं तो उन दोनों को वो नमस्कार करते हैं, करके वो घर में जाते हैं। और उनकी एक परंपरा जो सबसे पुरानी जो परंपरा है वो ये है कि उनका जो घर का छत नहीं होता था और घर जो है हर एक के घर में घर का अगर 100 गज का घर है तो उसमें 50 गज जानवरों के लिए होता था और 50 गज खुद के रहने के लिए होता था। वो ये सोचते थे कि बिना जानवर के हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ और जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वर्ली को बिल्कुल नए तरीके से प्रस्तुत किया, अभी हाल ही में आप गीत गोविंदम जयदेव के उस पर काम कर रही हैं, तो जो कलरफुल आपने वर्ली को किया है अपने मॉडिफाई करके, तो वो किस तरह से आपके जहन में आया? वर्ली चित्रकला तो वैसे बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, मतलब इसको तो आप बिजनेस वे में भी लोगों ने अच्छी तरह से ढाल लिया है। तो एक वक्त मुझे ये लगा कि क्यों जो सब लोग कर रहे हैं उसके उससे हटके करना चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको हम कलरफुल बनाएं। तो कलरफुल जहन में ये कर लिया कि हाँ अभी इसको कलरफुल बनाना है। तो जब कलरफुल की बात आई तो सोचा क्योंकि वर्ली चित्रकला में हर वक्त कोई कहानी से जुड़ी हुई चित्रकारी होती है। तो उस टाइम पे मैं ऐसी नेट में बैठी हुई थी, कृष्णा जी जहन में थे, नेट में बैठी हुई थी तो अचानक देखा कि जयदेव, तो जयदेव जब देखा तो तब पता चला कि वर्ली में जयदेव की अभी तक गीत गोविंदम का कोई चित्रकारी नहीं हुई है। तब मैंने सोचा कि यही एक मौका है वर्ली को एक नया रूप देने के लिए। उसमें एक चीज और आपने अनोखी की है कि बुद्ध को भी जोड़ा है, तो बुद्ध और कृष्ण आखिर कैसे आपने दोनों को एक साथ ले लिया? देखिए, बुद्ध और कृष्ण हालांकि बौद्धिस्ट मानते नहीं है कि बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म से है, कोई बात नहीं उसकी कोई बड़ी इश्यू नहीं है। जब हम जयदेव के गीत गोविंदम खोलते हैं तो उसमें 8वां अवतार
कृष्ण है और नौवां अवतार बुध है। दोनों का ही मैसेज पॉजिटिव है। अब कृष्ण को ले लेते हैं तो वो प्यार का संदेश देते हैं, उसी तरह से बुध को अगर आप लेते हैं तो वो शांति का संदेश देते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए दोनों को एक साथ एक छत के नीचे लेके आई हूँ मैं। वाकई बहुत बढ़िया, आपने अपने रंग से रंगा है वर्ली को और गीत गोविंदम को एक नया रूप स्वरूप दिया है आपने। उसके अलावा भी जो दूसरे विषय होते हैं तमाम तरह के, वो क्रिएटिव साइड में ले लें या और भी कुछ ले लें, तो उन पर क्यों नहीं आपने कभी काम करने का सोचा? लोक कलाओं को ही क्यों ज़्यादा तरजीह दी है? देखिए, कॉन्टेम्परी तो हर कोई बंदा थोड़ा सा अगर आर्ट सीख लेता है तो वो अपने आप को आर्टिस्ट कहता है, या अपने आप को नहीं, जिसके अंदर कला है वो करता है कॉन्टेम्परी। कॉन्टेम्परी करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोक कला जो कि ख़त्म होता जा रहा है, मैं सोचती हूँ उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको एक नया रूप देने के लिए, उसको एक दर्जा देने के लिए उसको दोबारा वापस लाना है, और उसी वजह से मैंने इसको एक नया रूप दिया है। बबीता जी, अब आपके रंगों की बात की जाए तो रंगों का सामंजस्य आपके काम में किस तरह का होता है? रंगों के लिए मैं कोई सिलेक्ट नहीं करती हूँ कि ये कलर लगाना है वो कलर लगाना है, बस मेरे मन में एक फ्रेम, मैं पहले जयदेव, जैसे कृष्ण को लेके मैं बात करती हूँ तो जयदेव की गीत गोविंदम है, उसमें मुझे सारे ही पेंटिंग्स तैयार करने, इस वक्त सिर्फ 24 पेंटिंग्स तैयार है जो कि मैं भारत भवन में लेके आई हूँ, और जयदेव की गीत गोविंदम को पढ़ती हूँ, और हर एक कविता में 8 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को पढ़ती हूँ फिर उसको जहन में बना लेती हूँ किसका क्या सीन बनेगा, उसके बाद तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये लगाना है या वो लगाना है, सारे रंग अपने सामने रख लेती हूँ, जहाँ जो मन करता है मैं लगाती हूँ, तो कोई बंधन नहीं रखा है, क्योंकि दो जिस तरह से पॉजिटिविटी को लेकर मैं चल रही हूँ तो इसीलिए रंगों में भी कोई भेदभाव नहीं रखा है। ये तो आपने अपने रंगों के बारे में बताया, लेकिन इन रंगों से जुड़ी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर कलाकार या हर व्यक्ति को उसके काम के थ्रू ईश्वर से बात करने का मौका मिलता है, तो आपके रंग आपको ईश्वर से कितना जोड़ते हैं? मेरे रंग मेरे ईश्वर से, सभी रंग मेरे को मेरे ईश्वर से जोड़ते हैं। इस वक्त आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरे माथे पे भी कृष्ण जी बने हुए हैं, पता नहीं क्यों। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सब लोग, एक हमारे हिंदू समाज में एक बिंदी लगाना है, मैं हर रंग की बिंदी उठाती हूँ लगाती हूँ, लेकिन वो गोल आकार या लंबा आकार मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। मेरा तो सीधा हाथ उठता है और कृष्ण जी बन जाते हैं, तो शायद ये उनकी बहुत बड़ी हाथ है कि अभी तक किसी रंगों में बाधा नहीं पड़ी है मुझे। तमाम कलाकारों के बीच में आप भी एक कलाकार हैं चित्रकारी में, तो आप स्वयं को कहाँ पाती है, कहाँ देखती हैं उस भीड़ में तमाम कलाकारों की? तमाम कलाकारों के भीड़ पे तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कला से मुझे पहचाने, मुझसे कला ना पहचाने जाए। बाकी बबीता जी, आपने अपनी कला के थ्रू ईश्वर से जुड़ने का बहुत बढ़िया माध्यम चुना है। अब माइथोलॉजिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की जाए, आप उन पर ही अपने काम को फोकस रखती हैं, तो आखिर माइथोलॉजी क्यों, उसके अलावा भी और तमाम चीज़ें? बिल्कुल है, और भी तमाम चीज़ें, लेकिन इसके लिए मैं एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करूँगी, जिस तरह से वो फोक आर्ट है इस तरह से माइथोलॉजी है, तो अगर आप फोक को माइथोलॉजी के साथ लेकर के चलेंगे तो लोगों तक अच्छे संदेश आप पहुँचा सकते हैं, जो कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अगर आप सोच के चलते हैं तो माइथोलॉजी हमारा धरोहर है, उसी तरह से लोक कला भी हमारा धरोहर है, तो दोनों धरोहर को अगर एक साथ लेके चलते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है, और वो आ देख रहे हैं। बबीता जी, आजकल देखने में आ रहा है कि हर कला पर व्यावसायिकता हावी है, तो चित्रकला भी उससे कहीं अछूती नहीं दिखती है हमें, तो आप क्या सोचती हैं कि जब व्यावसायिकता हावी हो जाती है किसी कला पर तो फिर उसका सोल, उसकी आत्मा कितनी रह जाती है? ये देखिए, हर चित्रकार का एक सपना होता है कि उसका अगर चित्र बना है तो वो व्यावसायिक रूप से बिके, उसकी मेहनत जो है 10 लोगों तक पहुंचे, तो व्यवसाय तो है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप अगर अपने चित्रकार को या अपनी कला को अगर बिल्कुल व्यवसाय रूप में आपने अगर ले लिया है तो उसके लिए आप ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हैं, एक वक्त के बाद आपको रुक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोच के चले कि नहीं मेरा ये काम है, उसके बाद उसकी क्या व्यवसाय आमदनी हो रही है उसको आप ना सोच के अगर चलेंगे तो शायद बेहतर काम आपको आप दे सकेंगे। बबीता जी, अब मैं आपसे पूछूं कि अभी तक के काम से आप कितनी संतुष्ट हैं और आने वाले समय में और आप अपने काम को लेकर क्या सोचती हैं, तो क्या मन में चल रहा है आपके आज? अभी तक जो मैंने काम किया है संतुष्ट हूँ, लेकिन उतनी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि जयदेव जी के गीत गोविंदम का पूरा सीरीज मुझे करना है, और उसके बाद मुझे बुद्धा जी की जो जातक कथा सांची स्तूप में है, तकरीबन 300 जातक कथाएँ हैं, वो जातक कथा भी सारा मैंने वर्ली स्टाइल में करना है,
ये सोच अभी लेके मैं चल रही हूँ। निश्चित तौर पर बबीता जी, हम भी चाहेंगे कि आप अपने सारे कामों को सफलतापूर्वक करें। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की मुलाकात दिल्ली की इस लोक कलाकार बबीता विश्वास से, जिनके कला के रंग आपको जरूर पसंद आए होंगे और उनकी कला की वानगी को भी आपने बखूबी समझा होगा और लोक कला की एक नई विधा से आप रूबरू भी हुए होंगे। बबीता जी, आप हमारे शो में आई और हमसे काफी कुछ अपनी कला से जुड़ी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाने से पहले लिख लीजिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस जो है।